सच का साथी। एबीपीएस न्यूज टीम का सफर संभल जिले के बाघव गांव पहुंचा, जहां पर ग्राम प्रधान द्वारा बारात घर का निर्माण कराया गया है। साथ ही साथ सड़कों और खड़ंजों का भी निर्माण कराने की वजह से ग्राम वासियों में खुशी की लहर है। उनका कहना है कि पहले यहां जब सड़क नहीं थी और खड़ंजे नहीं थे, तब बरसात के दिनों में कीचड़ हो जाया करता था, लेकिन प्रधान जी के द्वारा ये कार्य कराए जाने के बाद अब कीचड़ नाम की कोई चीज यहाँ नहीं होती। साथ ही साथ बारात घर बनवाने से भी गांव वालों को काफी राहत मिली है, क्योंकि पहले बारात आदि रोकने के लिए कोई गांव में व्यवस्था नहीं थी, और आज के समय में यदि कोई भी फंक्शन गांव के लोगों को करना हो तो वो बारात घर के माध्यम से अपना फंक्शन बखूबी कर सकते हैं, जिससे गांव वालों को काफी पैसों की भी बचत हो जाती है, साथ ही साथ समस्याओं का सामना भी नहीं करना पड़ता। तो वहीं ग्राम प्रधान प्रतिनिधि का कहना है कि सरकार अगर उन्हें समय से और ज्यादा धन मुहैया कराए तो वो अपने गांव का अच्छा विकास करा सकते हैं, क्योंकि इस ग्राम पंचायत में 3 मजरे भी लगते हैं और धनराशि के हिसाब से तीनों जगह पर बराबर कार्य कराना ग्राम प्रधान के लिए असंभव साबित हो रहा है। इसलिए उनकी मांग है कि सरकार जल्द मेरा नाम यादराम है जी। मैं ग्राम पंचायत बाघू का रहने वाला हूँ, और जो प्रधान जी ने बारात घर रास्ता बनाई है ये वाली ये बढ़िया है। कीचड़ थी पहले और किसी बात की अब परेशानी नहीं है, और ये हमारे गांव के लिए बारात घर बनवाया है। पहले कोई रुकने का सिस्टम नहीं था और पूरे गांव का रुकने का सब ये प्रबंध हो गया। बढ़िया काम किया है और बढ़िया काम कर रहे हैं। खड़ंजा बिगड़ा दिया, बारात भर की बनवा दिया। अच्छा खूब बन रहे। मेरा नाम जयपाल सिंह है, ग्राम लोधी लंगड़ा का रहने वाला हूँ। ये जो प्रधान ने ग्राम ये बारात घर जो बनाया है, इससे सभी पूरे गांव के लिए बहुत बड़ी सुविधा हुई है, और मुझे उम्मीद है प्रधान से और भी आगे के लिए बढ़िया से बढ़िया काम करेंगे। और कुछ बोलना? मैं रोहित यादव, प्रधान पुत्र बाघव ब्लॉक गुन्नौर, तहसील गुन्नौर, जनपद संभल का निवासी हूँ। मेरे ग्राम पंचायत में जितनी धनराशि हमारे ग्राम पंचायत को मिली, उससे हमने विकास कार्य किए। उससे जैसे हमने सीसी टाइल्स का कार्य, नाला निर्माण व खड़ंजा निर्माण, और 100 शौचालय बन चुके हैं, बाकी पर कार्य चल रहा है। ग्राम पंचायत बागों में के 2 मंजरे हैं, जिनकी क्षेत्रफल की दूरी काफ़ी है, धनराशि कमाती है। तीनों ग्राम पंचायत में ना बारात घर है, ना पंचायत घर है, ना आंगनवाड़ी केंद्र है। तीनों चीज़ आवश्यक हैं। मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट है कि हमें अधिक से अधिक धनराशि दें, क्योंकि हमारे तीनों ग्राम पंचायत में विकास कार्य तीनों ग्राम पंचायत को देखते हुए विकास कार्य कम हो पाता है। इसी कारण हम अभी जितना हो सकता है हमने अपनी धनराशि से जो हमारे पास मिली है, उससे हमने एक बारात घर बनवाया है, अपनी निधि से, बिल्कुल अपने पास से बनवाया है। बाकी जो हमसे हो सकता है वो करते हैं। हम आपसे माननीय मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री जी से रिक्वेस्ट है कि हमारे गांव में बारात घर, जो अन्य चीज़ हैं, पंचायत घर, आंगनवाड़ी केंद्र, उन सब चीज़ के बारे में मतलब रिक्वेस्ट है, धनराशि हमें कुछ दें, जिससे हम गांव में प्रगति का कार्य करें, जिससे हमारे गांव तरक्कीहीन हो, खुशहाली आए उसमें, और गांव के लोगों के सराहनीय रहें। बस हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से यही रिक्वेस्ट है, यही आप बोल रहे हैं।